ऋषभ पंत मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट में सबसे कीमती प्लेयर हैं। ऐसा पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा को लगता है। आकाश के मुताबिक पंत कंसिस्टेंट एंटरटेनमेंट करते हैं, इसलिए उनका ये रुतबा होना चाहिए। पंत ने शनिवार 2 नवंबर को वानखेड़े टेस्ट की पहली पारी में ऐसी ही धाकड़ बैटिंग की। पंत शुक्रवार को ही क्रीज पर आ गए थे, लेकिन उस दिन उन्हें ज्यादा वक्त नहीं मिला। इसके बाद पंत ने शनिवार दिन की शुरुआत से ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने दिन के पहले ही ओवर में लेफ्ट आर्म स्पिनर एजाज पटेल को 2 बाउंड्रीज जड़ दी। उन्होंने न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को जमने के मौके ना देते हुए लगातार अटैक जारी रखा। दिन के पहले घंटे में न्यूजीलैंड के बॉलर्स लगातार बैकफुट पर रहे। पंत और गिल ने मिलकर 5वें विकेट के लिए 96 रन जोड़ डाले और इस साझेदारी के दम पर इन्होंने टीम को एक और कोलैप्स से भी बचा दिया। टेस्ट के पहले दिन भारत ने आखिरी 15 मिनट में खूब विकेट्स गवाए। टीम 78 पर 1 से देखते ही देखते 84 पर 4 हो गई। पंत की तारीफ करते हुए आकाश ने जियो सिनेमा पर कहा, मेरा मानना है कि वो मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट में सबसे कीमती प्लेयर है, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। बैसबॉल भूल जाइए, वो बस बातें ही हैं। ऋषभ पंत की निरंतरता देखिए, वो जिस तरह से फैंस को एंटरटेन कर रहे हैं उसे टेस्ट क्रिकेट में बहुत वैल्यू ऐड हो रही है। मेरा मानना है कि वो टेस्ट क्रिकेट में इस जनरेशन को परिभाषित करेंगे। पंत ने वानखेड़े टेस्ट की पहली पारी में सिर्फ 36 गेंदों पर 50 जड़ा। ये न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में किसी भी भारतीय का सबसे तेज 50 है। हालांकि वो इस स्कोर को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। पंत 60 रन बनाकर ईश सोढ़ी का शिकार बने। पंत की तुलना वीरेंद्र सहवाग से करते हुए आकाश आगे बोले, मैं नहीं सोचता कि बैटिंग में बहुत ज्यादा सोचना शामिल होता है। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब आप क्रीज पर होते हैं। मामला बस एग्जीक्यूट करने का होता है। आप अपना सोच विचार क्रीज पर पहुंचने से पहले करते हैं। जब आप क्रीज पर हैं तो बस सिचुएशन पर रिएक्ट करना होता है। आपको गेंद देखनी होती है और रिएक्ट करना होता है। पंत बहुत सारे यकीन के साथ ये काम बहुत अच्छे से करते हैं। वो वीरेंद्र सहवाग जैसे हैं। सहवाग ऑफ स्पिनर को कूटते थे, पंत सेम चीज लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के साथ कर रही हैं। अगर वो लेफ्ट आर्म स्पिनर का सामना कर रहे हैं तो गेंद मैदान से बाहर जाएगी ही। मैदान की कंडीशन और साइज मैटर नहीं करते। बता दें कि एक्सीडेंट के बाद पंत जब से टेस्ट क्रिकेट में लौटे हैं कमाल ही कर रहे हैं। वापसी में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में सेंचुरी जड़ी, न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट में 99 रन बनाए और अब यहाँ भी 50 जड़ दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने, मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।